बस्तर में आमजनों व भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही लगातार निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल व भारतीय जनता पार्टी कुम्हारी मंडल द्वारा एक दिवसीय चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व व आह्वान पर बस्तर में चार भाजपा नेताओं की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल व भारतीय जनता पार्टी कुमारी मंडल के द्वारा नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई 3 सिरसा गेट चौक एवं पाटन विधानसभा कुम्हारी के नगर पालिका परिषद के सामने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौरतलब है कि नक्सलियों द्वारा की जा रही भाजपा नेताओं की हत्या का विरोध जताते हुए नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में शामिल दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार आपराधिक एवं नक्सली घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में नक्सली बेखौफ होकर भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उन पर गोलियां बरसाकर उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सत्ता एवं साधन का दुरुपयोग कर रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। आज 4.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो बुरी हालत इस छत्तीसगढ़ की है, इतनी बुरी हालत है कि लोग त्रस्त है, परेशान है, निराश है, हताश है, और कब चुनाव और कब इनको उखाड़ फेंके, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता के हर सुख में दुख में साथ हैं, हर परेशानी में साथ हैं, और आज हम सब उसी के भूपेश बघेल सरकार के विरोध में आज हम सब इस कुम्हारी के हमारे नगर पालिका के सामने हम यहाँ चक्का जाम में बैठे हैं। चूँकि लूट खसोट फरेब राहजनी डकैती बलात्कार हत्याएं ये खुलेआम हो रही है, नशे का अड्डा बन चुका है छत्तीसगढ़, शराबखोरी हो रही है, सट्टा जुआ चल रहे हैं, और गांजा और अन्य प्रकार के जो नशे की वस्तु है उसका तस्कर हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह का हमारे छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है वहाँ पे इस तरह के अदृश्य देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कांग्रेस सरकार की हाथ है और कांग्रेसी इसमें संलिप्त हैं, मंत्रीगण संलिप्त हैं, और उनके संरक्षण में ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। पुलिस वालों को सचेत कर दिया, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन निकम्मे बनकर बैठी हुई इसके सरकार में। तो इस तरह के जो वाहियात हरकत ये कर रहे हैं उसके विरोध में लगातार भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई और विधानसभा की लड़ाई और संसद तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैंने इस बात को संसद के उस लोकसभा भवन में भी मैंने इस बात को कहा था, और नक्सली लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि को पदाधिकारियों को वहाँ निर्मम हत्याएं उनकी की जा रही है, हमारे जवानों की हत्या हो रही है, पुलिस के जवान सीआरपीएफ के जवान एसएफ के जवान उनकी हत्या हो रही है, और ये मूक दर्शन बैठे हुए हैं। तो ऐसे सरकार को तत्काल उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई में आ गई है। अब किसी भी दम में चाहे इनके जेल कम पड़ जाएंगे, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं, हम इनके डंडे खाने के लिए तैयार हैं, और हर हाल में हम इस सरकार को आने वाले नवंबर में चुनाव होगा उसमें उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल घंटे भर तक भाजपा द्वारा किए गए चक्का जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।